Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. लापरवाही और गफलत की मर्तकब कनाडा की क़यादत पर माहिरीन सेहत की कड़ी तनकीद। कोविड-19 की छठी लहर के बाद मरीजों की तादाद में मुतवातिर इजाफा, सेहत के हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रहन रखने वाले कनेडियंस के लिए बुरी खबर। बैंक ऑफ कनाडा शरह सूद में बड़े इजाफे के हवाले से इकदाम के लिए तैयार। महंगाई पर काबू पाना बैंक ऑफ कनाडा का हदफ। ओटावा के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड ने कोविड-19 की छठी लहर के दरमियान मास्क मैंडेट के हक में वोट दे दिया। ओटावा कार्लटन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड सूबाई हुकूमत के मास्क को ख़त्म करने के इकदाम के खिलाफ हो गया। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब पर यूक्रेन में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। जो बाइडन कहते हैं ये बात बिल्कुल वाजे होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेनी शहरी होने के निशानात भी मिटाना चाहते हैं। ईरान में अफगान महाजरीन पर तशद्दुद के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। ईरानी पुलिस का अफगान महाजरीन के साथ नारोवा सलूक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार। मुजाहिरीन ने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड With Allstate. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रब्ता कीजिए। कनाडा के माहिरीन सेहत ने कोरोना वायरस की छठी लहर के वार में शिद्दत और मरीजों की तादाद बढ़ने पर हुकूमती आला क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आवाम के लिए बाखबर ज़ाती फैसले करना बहुत मुश्किल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के माहिरीन सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की छठी लहर में इजाफे और नए मरीजों की तादाद बढ़ने पर आला हुकाम पर कड़ी तनकीद की जा रही है। कनाडा के बहुत से हिस्सों में कोविड-19 के इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है और अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद बढ़ रही है। तिब्बी माहिरीन इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि वबाई बीमारी की छठी लहर किस तरह फैल रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अवामी पैगाम रसाई और वबाई अमराज के नाकाफी आदाद शुमार से पता चलता है कि हम अब कोविड-19 के साथ जी रहे हैं और अब डॉक्टर्स और दीगर माहिरीन सेहत का कहना है कि आवाम के लिए बाखबर ज़ाती फैसले करना बहुत मुश्किल है। कनाडा में क्या हो रहा है इसके बारे में हकीकी ख्याल हासिल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ये उस मुकाम पर पहुंच रहा है कि अगर आप खुद अपने खतरे का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ऐसा करना नामुमकिन हो जाएगा। माहिर सेहत जूली लाजोई का कहना है कि सर्दी आपके दिल की बीमारी का खतरा नहीं बढ़ाती और नज़ला जुकाम इन्फेक्शन के 3 से 6 माह बाद आपके खून के जमने का खतरा नहीं बढ़ाता, जबकि नज़ला जुकाम से आपके ज़ियाबतीस का खतरा नहीं बढ़ता। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के प्रोफेसर डॉक्टर सेसिल ट्रिमले का कहना है कि बदकिस्मती से बादी में उजलत का कोई एहसास नहीं है, जिसकी वजह से आवाम समझ बूझ से इकदाम से तंग आ चुके हैं और मामूल पर वापसी के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती पैगाम रसाई ने यह तासर भी दिया कि ये अब कोई हंगामी सूरत हाल नहीं रही या अब ये अहम नहीं रही। ये बदकिस्मती की बात है क्योंकि ये अब भी बहुत खतरनाक सूरत हाल है। वायरस तकरीबन 5वीं लहर में नज़र आने वाली सतह पर गर्दिश कर रहा है और हम जानते हैं कि कुछ लोग मरने वाले हैं और कुछ लोग बहुत बहुत बीमार होने वाले हैं।
बीएमओ कैपिटल मार्केट्स के सीनियर माहिर इक्तिसादियात रॉबर्ट काउच ने कहा है कि बैंक ऑफ कनाडा के फैसले के मुताबिक शरह सूद में इजाफा जल्दी होना शुरू हो जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा शरह सूद पर अपने अगले इकदाम का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। बे स्ट्रीट की पेशनगोई करने वाले 50 बेस पॉइंट इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। बड़े बैंक्स कनाडा के अहम रहन कर्ज दहिंदगान पहले ही अपने बुनियादी शरह को 2.45% से 2.70% पर ले गए। अपने 5 साल मुकर्रा शरह रहन की तजदीद करने वाले घर के मालकान की जेबों पर मुमकिन तौर पर बोझ में इजाफा होगा। फिक्स्ड रेट्स जो बराह रास्त मरकजी बैंक की शरह से मुंसलिक हैं, कलील मुद्दती बॉन्ड के तौर पर बढ़ रहे हैं। वो कैनेडियंस जिन्होंने वबाई मर्ज की बचत की रकम घर पर डाउन पेमेंट की अदायगी के लिए खर्च की है, सूद की शरह में इजाफे के माहौल में ये रकम ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अगरचे महंगाई पर काबू पाना बैंक ऑफ कनाडा के बुनियादी अहदाफ में से एक है, लेकिन आला शरह सूद का मजमूई तौर पर कनाडा की हॉट हाउसिंग मार्केट पर थोड़ा सा ठंडा असर पड़ सकता है। आखिरी बार मरकजी बैंक ने मई 2000 में शरह .5% की थी, जब बराए नाम गैर जानबदार शरह सूद की सतह जो पूरी पैदावारी सलाहियत की इजाज़त देती है और अफराते ज़र को हदफ पर रखती है, तकरीबन 5% थी। बैंक ऑफ कनाडा का तखमीना यह है कि बराए नाम गैर जानबदार शरह 1.75% और 2.75% के दरमियान है। माहरीन का ख्याल है कि बैंक ऑफ कनाडा मुमकिन तौर पर अप्रैल के बाद अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को सख्त करने की रफ्तार को कम कर देगा। ओटावा कॉलेटन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के 8 ट्रस्टीज ने मार्क्स मैंडेट के हक की तहरीक में वोट डाला, जबकि एक ट्रस्टी ने इस इकदाम की मुखालफत की और 3 ने हिस्सा नहीं लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओटावा का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड 6th कोविड-19 लहर के दरमियान मास्क मैंडेट को दोबारा जिंदा करने के हक में है। ओटावा कार्लेटन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने सूबे की तरफ से खत्म किए गए इकदाम को वापस लाने के लिए वोट दिया। ओटावा का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड 21 मार्च को सूबाई हुकूमत की जानिब से इस इकदाम को खत्म करने के बाद दोबारा कोविड-19 की 6th लहर के दरमियान तलबा और अमले को मास्क पहनने की जरूरत के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ओटावा पब्लिक हेल्थ ने भी लोगों को घर के अंदर मास्क लगाने की सख्ती से सिफारिश करते हुए मास्क के इस्तेमाल को बढ़ाने की इकदामात की हिमायत कर दी है। बोर्ड के एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ब्रीट रेनॉल्ड्स के मुताबिक स्कूल बोर्ड जो कि 70,000 से ज्यादा एलिमेंट्री और हाई स्कूल के तलबा की नुमाइंदगी करता है, हालिया दिनों में अमले और तलबा के दरमियान 113 नए कोविड के मुस्बत केसेस सामने आए हैं। अलावा अजी ये इत्तला भी है कि कई ट्रस्टीज ने अपने जोन में क्लासेस या स्कूल बंद कराने की तजावीज भी पेश की हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को आमिर करार देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन में नस्लकुशी के जिम्मेदार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका के सदर जो बाइडन ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को आमिर करार देते हुए कहा कि वो यूक्रेन में नस्लकुशी के जिम्मेदार हैं। सदर जो बाइडन का कहना था कि ये बात बिल्कुल वाज़ह होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेनी शहरी होने के निशानात भी मिटाना चाहते हैं। उनका कहना था कि रूसी फौजियों ने यूक्रेन में अब तक जो कुछ किया है उससे मुतालिक मजीद भयानक शवाहिद सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब सदर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों का सरबराह सख्त गिर फौजी अफसर को मुकर्रर कर दिया है, जबकि उधर पोलैंड, लिथुआनिया, लिटोया और इस्टोनिया के सदू यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इजहार यकजहती के लिए कीव पहुँच रहे हैं। अफगान सिविल सोसाइटी का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में ईरानी हुकूमत के अफगानी महाजरीन के खिलाफ मजालिम बंद ना हुए तो हम रद्दअमल देने पर मजबूर होंगे। हम बैन अलाक़वामी और इंसानी हकूक की बिरादरी से अफगानियों की हालत ज़ार पर तवज्जो देने का मुतालबा करते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के दारुलहकूमत काबुल में सिविल सोसाइटी ने ईरान के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल ईरान में अफगान महाजरीन के साथ नारवा सलूक और तशद्दुद की वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी, जिसके खिलाफ अफगान सिविल सोसाइटी के मुतअद्दिद कारकुनान सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने अपने हाथों में मुख्तलिफ एहतजाजी बैनर्स और कुत्ते उठाए हुए थे, जिन पर ईरान के खिलाफ नारे दर्ज थे, जबकि मुजाहिरीन इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी पर मुसलसल सदा भी बुलंद करते रहे। मुजाहिरीन ने ईरान में ईरानी पुलिस की जानिब से अफगान महाजरीन के साथ नारवा सलूक को इंसानी हकूक की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया। मुजाहिरीन ने ईरानी सिफारत खाने से अफगान महाजरीन के साथ नारवा सलूक करने वालों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ
مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت کرنے والے افغانستان سول سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل ذاکر اللہ عمر کا کہنا تھا کہ اگر مستقبل میں ایرانی حکومت کے افغانوں کے خلاف مظالم بند نہ ہوئے تو ہم رد عمل دینے پر مجبور ہوں گے۔ ہم بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی برادری سے افغانوں کی حالت زار پر توجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ افغان تمام حکومتوں کے ساتھ اچھے اور صحت مند تعلقات چاہتے ہیں۔ کچیر تا پراتلون کے کدا بند نشی نو منگ با عکس العمل ورتو کو نڑے والے ٹولنا سخ دا دا غواڑو چھ بشر حقوق اندارنگا نڑے والے ٹولنا دے تر رسیدگیو کی ترسو دا ظلمنا بچ کری۔ افغانان ٹولو حکومتوں سخ یو خا سالما اڑیکا غواڑی او دی وروری فضا کے جون دو سرا غواڑی۔ اس موقع پر کمیونٹی کوارڈینیشن بورڈ کے چیئرمین حاجی اکبر جان کا کہنا تھا کہ ایران میں افغانوں پر ظلم و ستم عروج پر ہے، یہ مظالم کسی بھی افغان کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ہم افغانوں پر دوبارہ ایسے مظالم نہیں چاہتے، ایرانی حکومت ایسے مظالم بند کرے کیونکہ ہماری ایران کے ساتھ مشترکہ سرحد ہے، ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اسی دا ظلمون حکوم پر ایران کس کیجی دا سوی دا افغانان سر دا ایت افغان تا دا قبول دیوار ندی موږ نه غواړو چې آئنده کې دا شی تکرار شي، کیدای شي په ایران کې دا حکومت ایران په دې شي خبر نه وي، اکثره کومې ډلې یې نو دا موږ په دولت دومره هغه نه چې اوسي اکثره ډلې باید یو دا کار کړی دا باید ایران حکومت له غوښتنه پوښتنه وکړي۔ ایران سے واپس آنے والا افغان شہری منظور احمد فاروقی کا کہنا تھا کہ ایرانی ڈرائیور افغانوں سے تین گنا زیادہ فیس لیتے ہیں، دکاندار بھی زبردستی افغانوں کو سامان فروخت کرتے ہیں، افغانوں کو مشنوں اور سڑکوں پر ہر جگہ مارا پیٹا جا رہا ہے، ایرانی افغانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کدی دریوار گپ میزنے تو بیادر گل ایک جای 20 رفع اونجا کی میرسی مثال 200-300 تا اضافه میگیره، دکاندارش هم همین قسم بزرگ سر سودا میکنه، لات کو بیخی از اندازه زیاد شده، دم داخل اردوگاه فهمیده که میگه نمیزنه نمونجا لات کو زیاد است، بیخی افغانی ها را به اندازه وطن کرده که دیگر بیادر گل یهود قسم نمی باشه، یهود و نصارا زیاد کرده خوب است از ایران۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ ڈیلی کینیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اردو، اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی۔